रही हूँ यहाँ पे ये पैक का पोर मिनिमाइजर। सबसे पहले हम इसको अप्लाई कर लेंगे और उससे पहले मैंने अपनी स्किन को CTM कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस मेकअप में कि स्पॉट्स वगैरह हैं अगर आपको, तो उसको हाइड करने के लिए आप पीच या ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ यह है क्रेलोन का ऑरेंज करेक्टर 303। ये प्रॉपर ऑरेंज एक्चुअली नहीं है, इसलिए मैं कभी पीच पे बोल देती हूँ इसको, क्योंकि ये लाइट सा ऑरेंज एंड पीची काइंड ऑफ है। जो फेस पे करेक्टर यूज करते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका पिगमेंटेशन कैसा है। अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपको डार्क वाले पिगमेंटेशन है, देखा होगा आपने, किसी किसी को ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे ये एक पैच है जो बहुत डार्क है। तो यहाँ पे आपको डार्क ही करेक्टर यूज करना पड़ेगा, लाइट से काम नहीं चलेगा। देखा होगा आपने, करेक्टर यूज करने के बाद भी आपका पिगमेंटेशन हाइड नहीं होता है, सो यही रीजन होता है। आप डार्क है तो डार्क करेक्टर यूज करना। मार्स का 05 बफर नंबर, ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये पैक का ब्यूटी ब्लेंडर है, सो डैम कर लिया है इसको मैंने विद वाटर में भिगा के। मैं इनसाइड का ये क्रीम बेस हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। इससे पहले मैं कंट्रोल करूँगी फेस, ले रही हूँ ये है कलर बार का ब्लशर और ओरल क्रेविंग। आईब्रोज के लिए ले रही हूँ यह है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो। हमारा आईज का ये जो कॉर्नर होता है ना, हम यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये है आई मैजिक का जेल लाइनर, ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की डेजर्ट डस्ट इस वाली पैलेट से ये ट्रांजिशन सेट ले रही हूँ। देन हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लैक के साथ में। देन गाइस हम ये लाइनर के ऊपर ये ब्लैक कलर का आई शेडो ब्लेंड करेंगे, कर लेंगे अच्छे से सॉकेट एरिया पे। कोई भी आई मेकअप कर रहे हैं गाइस, हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। कभी भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने बस उठा के वहाँ पे प्लेस कर दिया है। अच्छे से मर्ज होगा तो आप कैसा भी आई मेकअप करोगे आपका लुक बहुत अच्छा आएगा गाइस। तो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ डिस्क गोल्ड। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये है मेकअप स्टूडियो का 2-way जेल। इसके लिए ले रही हूँ मैं ये क्रायोन का कॉपर ग्लिटर है। लाइनर अप्लाई करेंगे आई मैजिक का ही, टेप को रिमूव कर रही हूँ। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर गिरा हुआ है। इसको वेट टिश्यू से हटाऊंगी ना, अभी हटेगा नहीं वो और पूरा मेकअप भी आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक टेप ले रही हूँ और उस टेप को पहले एक बार अपने हाथ पे यूज कर लीजिए, देन इसके बाद आप इस तरह से ग्लिटर निकाल सकते हैं। ब्लीन का लूज पाउडर ले रही हूँ, कर लेंगे बट वाटर लाइन के पास थोड़ा मैं अच्छे से अप्लाई कर ले। देन इसी लाइनर को मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हम आईलैशेस को अच्छे से कर्ल्स करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अप्लाई कर रही हूँ यह है मैबलिन का मस्कारा, लिप लाइनर यह है कलर बार का। इसके लिए मैं ले रही हूँ यह है सुगर की बट डिवाइन पैरालाइन करके। गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।